आज हम बात करने जा रहे हैं मुहासे के ऊपर। मुहासे को एक्ने, पिंपल्स आदि नाम से भी जाना जाता है। यह खास तौर पर युवाओं में होने वाली समस्या है। इससे हमारे चेहरे पर दाग, धब्बे आदि बन जाते हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम होने लगता है और हम इसको लेकर निराश रहने लगते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इससे आपको ये जानकारी होगी कि किन कारणों से हमको मुहासे जैसी समस्या होती है और इसमें हम घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं और साथ ही आयुर्वेदिक उपचार क्या लिया जा सकता है। किन कारणों से हमारे शरीर में मुहासे होने की संभावना बढ़ जाती है? इसमें सबसे पहला कारण हार्मोन का असंतुलन हो जाना, दूसरा कारण शरीर में टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ जाना, तीसरा पॉइंट तेल मिर्ची मसालेदार भोजन का ज्यादा सेवन कर, चौथा पॉइंट कब्ज का रहना, पेट साफ ना होना अच्छे से, यह भी हमारे शरीर में मुहासे को बढ़ाता है, ऑयली स्किन का होना और तनाव युक्त जिंदगी का होना, जिससे निद्रा प्रॉपर ना ले पाना या नींद देर से आना, यह मुख्य कारण थे जिसके कारण एक युवा में मुहासे होने की संभावना बढ़ती है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं उपचार के ऊपर। उपचार में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा होम रेमेडी। होम रेमेडी में हम आपको चार टिप्स बता रहे हैं जो कि आपके मुहासे को सुखाएंगे और चेहरे को क्लीन करेंगे। टिप नंबर वन, जायफल को आप पानी के साथ मिलाकर घिस लें और उसको अपने मुहासे पर लगाएंगे तो आपके मुहासे सूखते जाएंगे। टिप नंबर टू, हल्दी, बेसन और चंदन, इसका पेस्ट बनाना है। इसमें हल्दी की मात्रा कम रखनी है और ये पेस्ट को अपने फेस पे लगाना है। टिप नंबर थ्री, एलोए वीरा और मुल्तानी मिट्टी, इनको मिक्स करके आप अपने फेस पे लगाएंगे तो जो दाग आ गए हैं मुहासों के, वो दाग दूर होते जाएंगे। टिप नंबर फोर, संतरे का छिलका, इसमें आप संतरे के छिलके के चूर्ण को फेस पर पिंपल वाली जगह पर लगाते हैं तो वो पिंपल सूखता जाएगा। इस प्रकार आपको जो चार होम रेमेडी बताई हैं, ये आपके चेहरे पर पिंपल्स को दूर करने में मददगार होंगे। आयुर्वेदिक उपचार में सबसे पहले कब्ज को दूर करें। कब्ज को दूर करने के लिए आप सामान्य रूप से त्रिफला का सेवन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है रक्त शोधक दवाइयों का प्रयोग करना। रक्त शोधक के अंदर नीम, मंजिष्ठा, रक्त चंदन आदि दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है विरेचन कर्म। विरेचन कर्म को करने के लिए आप नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करें, वह आपको यह विरेचन कर्म एग्जीक्यूट करवा देंगे। साथ ही इससे हमारे शरीर के जो दोष होते हैं वह शरीर से रिमूव होते हैं और शरीर हमारा निरोगी और दीर्घायु होता है। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं सावधानियां, इनको आप बहुत ध्यान से सुने और इसको अप्लाई करना जरूरी है। इसमें सबसे पहली सावधानी, अपने चेहरे पर सर के बालों को ना आने दें। बालों में गंदगी रहने के कारण हमारे चेहरे के पोर्स को वो बंद करता है, जिससे पिंपल्स आने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरे नंबर पर आती है हमारे फेस को बार बार धोना है। दिन में आप 4 से 5 बार नॉर्मल पानी से धोएं अपने फेस को। तीसरे नंबर पर आता है तेल मिर्ची मसालेदार खाने को परहेज करना। फल सब्जियों का सेवन बढ़ा दें, साथ ही पानी का सेवन अधिक से अधिक करें। कॉस्मेटिक क्रीम का प्रयोग नहीं करें। पिंपल के आ जाने के बाद आप उसको फोड़ने की कोशिश ना करें। टिप्स को अप्लाई करें और उससे आपका पिंपल सूखने लगेगा और आपको फोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, अभी हमने आपको यह सावधानी, आयुर्वेदिक उपचार और होम रेमेडी बताएं। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि पिंपल्स की समस्या समाप्त नहीं हो रही है तो आप अपने नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर को एक बार दिखाएं, इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। जय आयुर्वेद।